बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर कोई दिलदार और अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं, तो वो हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें आज गरीबों का देवता भी कहा जाता है। जी हाँ, ये अभिनेता इतने दयालु स्वभाव के हैं कि अक्सर दूसरों की मदद करते हुए ही नजर आते हैं। इसी तरह ही ये अभिनेता हमेशा सभी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं, जिसकी वजह से आज लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं और इनकी दिल से बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। कि जहाँ जिनकी बहुत इज्जत की जाती है, तो वहीं कुछ लोग इन्हें बेहद नफरत भी करते हैं। जी हाँ, साउथ की 5 ऐसी मशहूर अभिनेत्रियां हैं जो आज मिथुन चक्रवर्ती से बेहद नफरत करती हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों वो अभिनेत्रियां मिथुन चक्रवर्ती से इतनी नफरत करती हैं और इस नफरत के पीछे की वजह क्या रही होगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रकुलप्रीत। रकुलप्रीत साउथ की एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ एक बेहतरीन गोल्फर भी हैं। साथ ही अभिनेत्री बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम करते हुए नजर आती हैं। बता दें कि इतनी टैलेंटेड हैं कि साल 2011 की फेमिना मिस इंडिया में उन्होंने मिस फ्रेश फेस, मिस ब्यूटीफुल स्माइल और मिस टैलेंटेड और मिस ब्यूटीफुल आईज जैसे 4 खिताब जीते थे। लेकिन आपको बता दें कि ये टैलेंटेड अदाकारा आज अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत मिथुन चक्रवर्ती से ही करती हैं। और इसकी वजह ये है कि जब रकुल को बॉलीवुड फिल्म दे दे प्यार दे में कास्ट किया गया था, बताया जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती ने इन्हें इस फिल्म में काम ना देने की बात कही थी, जिसके कारण रकुल को निकाला भी गया। लेकिन रकुल को दुखी देख बाद में इन्हें दोबारा इस फिल्म में लिया गया था और जब रकुल को ये बात पता चली तो वो बहुत टूट गई थी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि मिथुन चक्रवर्ती इनके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। और इसीलिए ही तब से लेकर आज तक रकुलप्रीत मिथुन चक्रवर्ती से बेहद नफरत करती हैं। नंबर 2, रश्मिका मंदाना। वेल, ये अभिनेत्री अक्सर टॉलीवुड और कॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आती हैं। अपने अभिनय करियर में कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद आज ये साउथ की सबसे महंगी अभिनेत्री मानी जाती हैं। लेकिन इस बेहतरीन अदाकारा का मिथुन चक्रवर्ती से नफरत करने की वजह यह है कि रश्मिका एक समय में बॉलीवुड फिल्मों में भी काम करना चाहती थी, पर खबरों की माने तो बताया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती ही वो इंसान थे जिन्होंने इन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री करने से रोक दिया, जिसकी वजह से रश्मिका आज तक बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आ पाई। और यही वजह है कि रश्मिका मंदाना आज मिथुन चक्रवर्ती से नफरत करती है। नंबर 3, नयनतारा। नयनतारा साउथ की सबसे लोकप्रिय और महंगी अभिनेत्रियों के बीच गिनी जाती हैं। असल में इतनी लोकप्रिय हैं कि इनके प्रशंसकों और यहाँ तक कि मीडिया ने भी इन्हें लेडी सुपरस्टार का खिताब दिया है। वहीं बात करें इनका मिथुन चक्रवर्ती से नफरत करने की वजह के बारे में, तो आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा भी एक साउथ एक्ट्रेस रह चुकी हैं और इसी के चलते एक बार मदालसा और नयनतारा के बीच किसी एक बात को लेकर खूब लड़ाई हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी बहू मदालसा का ही सपोर्ट किया और नयनतारा पर बहुत गुस्सा भी किया, जिसके कारण नयनतारा काफी दुखी हो गई और तब से लेकर आज तक वो मिथुन चक्रवर्ती से बेहद नफरत करती आ रही हैं। नंबर 4, त्रिशा कृष्णन। त्रिशा कृष्णन चेन्नई की एक मॉडल और अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं, जिन्होंने तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री में भी अपनी अच्छी पहचान बनाई। त्रिशा लुक और टैलेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये अभिनेत्री बॉलीवुड में भी अपनी एक खास पहचान बनाना चाहती हैं और इन्हें बॉलीवुड फिल्म खट्टा मीठा में काम करने का मौका भी मिला। वह इन्होंने अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पर्दे पर उतारा था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इस फिल्म के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि त्रिशा कृष्णन में वो टैलेंट नहीं है जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के अंदर होना चाहिए और नेक्स्ट टाइम इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं देना चाहिए, ये अपने किरदार को अच्छे से नहीं निभा पाए। बस इसी बात पे त्रिशा कृष्णन इतनी दुखी हो गई कि वो आज मिथुन चक्रवर्ती की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नंबर 5, हंसिका मोटवानी। हंसिका मोटवानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि साउथ इंडस्ट्री की एक जानी मानी हस्ती हैं। बता दें कि इन्होंने अपने आकर्षक लुक के साथ हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। वही हिंदी फिल्म कोई मिल गया में भी एक सपोर्टिंग रोल में शानदार अभिनय करती हुई नजर आई थी, लेकिन खबरों की माने तो बताया जाता है कि इनके सपोर्टिंग रोल की जगह मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड की किसी दूसरी एक्ट्रेस को काम दिलवाना चाहते थे, इसके कारण इन्हें इस रोल से भी हटाया जा रहा था, लेकिन इनके टैलेंट के चलते इन्हें ही वो रोल दिया गया। पर हंसिका के दिल में मिथुन चक्रवर्ती के प्रति एक नफरत पैदा हो गई, जो कि आज भी उनके दिल में कायम है। वेल, क्या आपको लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती ने वाकई इन अभिनेत्रियों के साथ इतना बुरा किया है, जिसकी वजह से ये अभिनेत्रियां आज मिथुन दास से इतनी नफरत करती हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी ऐसी और धमाकेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।